क्षति शोक पूर्वक रहती हैं। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरती हरण वेद जस गावा, तो मेरी देह छूट जाए भगवान, छूटे बेगी देह या मोरी। इस प्रकार यही मेरी दुखित प्रजेश कुमारी बहुत दुख के साथ रह रही हैं, और इधर भगवान शंकर की समाधि है और उधर प्रजापत दक्ष ने आज हरिद्वार के पास कनखल में बृहस्पति सोनाम यज्ञ का आयोजन किया है। संपूर्ण देवताओं को ऋषियों को वहां आमंत्रित किया है, सती और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। 87,000 वर्ष बाद शंकर जी की समाधि खुली। बीते संबत 1087 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उ सती जगत पर जागे। निकट गई, पूजन किया भगवान शंकर ने, उनको बाया आसन नहीं दिया, सन्मुख आसन दिया। और उस समय सती ने देखा आकाश में देवता विमानों पर देवियों के साथ जा रहे हैं, देवियां गीत गा रही हैं। तो सती बिलोक के व्योम विमाना चले जात सुंदर धुनि नाना। तो सती ने पूछा भगवान, ये देवता कहाँ जा रहे हैं, देवियां कहाँ जा रही हैं? भगवान शंकर बोले, देवी ये देवता, देवी तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे। सती दाक्षायणी देवी पितृ यज्ञ महोत्सवम ब्रजंती सर्वतो दिग्भ्या उपदेव वरस्त्रियः। हे सती, हे दाक्षायणी, हे देवी, तुम्हारे पिता के घर का उत्सव है, ये देवता देवी उसे यज्ञ में जा रहे हैं। भगवती सती दाक्षायणी ने जब जाना तो भगवान शंकर से बोली, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयम् च तत्राधिशराम बामते यद्यर्थितामी विबुधा प्रजंती। प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, वो आपके पिता हैं, वो आपके ससुर हैं, हमारे पिता हैं, और इस समय प्रजापति हैं, उनके यहाँ यज्ञ हैं, हमें आपको अवश्य चलना चाहिए। उसमें हमारी बहिने अपने अपने पतियों के साथ निश्चित चली गई होंगी। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्त भी स्वकैर ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद दिदृक्षवः। हमारी बहनें अपने पतियों के साथ चली गई होंगी, हमारे हृदय में भी माता पिता को देखने की भावना है, और दृक्षे चिरोत्कंठ मना महर्षि भी रुन्नीयमानम च मृडा धुरत ध्वजम। यज्ञशाला का भी हम दर्शन करना चाहती हैं, आप शीघ्रता से चलें। भगवान शंकर बोले, देवी तुमने सत्य कहा है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया, अब बिना निमंत्रण के चलना ठीक नहीं है। सती बोली, महाराज कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से निमंत्रण न भी आवे तो जाने में दोष नहीं होता। अनाहुता अपि अभियंतु बंधुसु भरतुर गुरो देह कृतस्य कीर्तनम। अपने पति के घर, पिता के घर, भाई के घर, गुरु जी के घर, ये चार स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं है। भोलेनाथ बोले, देवी ठीक कहती हो, यद्यपि मित्र प्रभु पति गुरु गे हा जाइए बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न हो। देवी त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अपि अभियन्तु बंधुषु ते यदि अनुपादित दोष दृष्टयोर वलीयशीनात्म मदेन मन्युना। बिना बुलाए जाना चाहिए, अनाहुता अपि अभियन्तु बंधुषु, लेकिन यदि वहां के लोग अभ्यागत का स्वागत न करें, बक दृष्टि से देखें, तो वहां नहीं जाना चाहिए। कहे वो नीक मोरे उमन भावा यह अनुचित नहीं निमति पठावा। देवी आवत ही हर्षो नहीं, आवत ही हर्षो नहीं, नयनन नहीं सने तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। तुम्हारे पिता एक बार हमसे नाराज हो गए थे, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तब से अजहूं करत अपमाना। तुम्हारे पिता हमसे नाराज हो गए थे,
ब्रह्म सभा में हमने उठकर उनका सम्मान नहीं किया, बस इसी से नाराज हो गए। आज तक वो बैर की गांठ बांधे हैं और अनादर कर रहे हैं। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। अपनी समस्त कन्याओं को बुलाया है, हमारे बैर के कारण तुम्हें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाते कोई बात नहीं, तुम्हें तो बुलाना चाहिए था। इन हमरे बैर तुम्हें बिसराई, अब जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नसील सनेह नकानी। बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह मर्यादा सब नष्ट हो जाएगी। यदि व्रजिष्यथ अतिहाय मद वचो, भद्रं भवत्यान ततो भविष्यति, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो तदा सद्या मरणाय कल्पते। देवी यदि मेरे वचनों का उल्लंघन करके तुम जाओगी तो वहां तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब किसी संभावित सम्मानित व्यक्ति का उसके आत्मीयजनों के द्वारा अपमान होता है तो मृत्यु प्रिय लगती है, इसलिए देवी तुम जाओ नहीं। इरासती को तो जाने की बड़ी जल्दी है, उतावली है, उत्कंठा है। आज सती ने पिछौरा कांधे पर डाला, कुटिया के बाहर निकल गई। हम जा रही हैं, फिर कुछ देर सोची कि कहीं शंकर जी नाराज न हो जाएं, तो भीतर आ गए। बाहर निकल जाती हैं, भीतर आती हैं, बाहर निकल जाती हैं, भीतर आती हैं। निष्क्रामति निर्विष्टि द्विधा ससा, जब ये भाव आता है कि माता पिता को देखें तो कुटिया के बाहर निकल जाती हैं। शुद्धदृक्षु परिशंकिता भवात निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, जब माता पिता को देखने का भाव आता है तो फिर बाहर निकल जाती हैं। भाव आता है कि शंकर जी कहीं नाराज न हो जाए तो भीतर आती हैं। कभी जोर से कह रही हैं हम जा रही हैं, संभालिए कुटिया, और कभी भगवान शंकर के निकट आकर कान में मुख लगाकर पूछती हैं तो फिर हम जाएं कि न जाएं। भोलेनाथ दोनों स्थितियों में मौन रहे, कुछ बोले नहीं। तो देवी सती ने देवियों के अंतिम अस्त्र का प्रयोग कर दिया। माताओं के पास, नारियों के पास अंतिम अस्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र से अधिक शक्तिशाली है। कौन है आगे श्लोक में वर्णन करते हैं। शुद्धदृक्षा माता पिता को देखने की इतनी भावना उत्कट हुई, रोष इनको आया, अश्रु कलाति व्यूहला, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, बड़े मोटे मोटे आंसू, आंसुओं की धार नहीं है बाणों की बौछार है, और इन आंसुओं से हारना पड़ा शंकर जी को। करिहारे बहु जतन शिव रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी। श्रृंगी भृंगी नंदी गणों से कहा जाओ अपनी माता सती को इनके मायके भेजाओ, जाओ दक्ष नगर भेजाओ। सती तुम अपनी कोई भी वस्तु या नहीं रखना, अपनी जितनी वस्तुएं हैं अपने साथ लेती जाओ। ये श्वेत छत्र, ये शारिका, ये बेजन सब साथ ले जाओ। भगवान शंकर जानते हैं भाभी को बैठ सकते हैं, लेकिन वो भाई भाभी को नहीं बैठना चाहते, क्योंकि हरि की इच्छा है। हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। और उस समय आज सती जी चली और आई दक्ष नगर कनखल में। तामागताम तत्र न कश्चनाद्रियदो, विमानिताम यज्ञकृतो भयात जना,
ऋतेष्वशर्वै जननी च सादरा प्रेमाश्रुकंठ्या परिषस्व जुर्मुदा। आज सती देवी का कोई स्वागत करने आगे नहीं आया, जो देखता है वही मुख घुमा लेता है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सभी मुंह घुमा लेते हैं, किसने सम्मान नहीं किया, लेकिन ममता की मूर्ति माता ने जब देखा, ऋतेष्वशर्वै जननी च सादरा, माता ने जननी दिखा, ममता की मूर्ति है माता। माता दौड़ी, प्रसूति मैया ने अपनी कन्या सती को हृदय से लगा लिया। माता की ममता मई निस्वार्थ प्रेम की मूर्ति है, ऐसा भाव कहां मिलेगा। तब भगवान को बुलाने के लिए भी कहा गया, त्वमेव माता, त्वमेव माता, भगवान को मां कहा, भगवान को मां का दर्जा प्राप्त है, अब मां को भगवान का दर्जा प्राप्त। करम सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। अब तो माता ने हृदय से लगा लिया, बहनों ने भी स्वागत किया, आगे चली कनक मंचासीन, दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, पिता प्रणाम। और प्यारे भक्तों, दक्ष ने सुना ही नहीं, श्री मदबक्रन की न कही प्रभुता बधिर न कही, प्रभुता ने बहरा बना दिया, सुना ही नहीं इन्होंने, इतना मद है। पुनः कहा सती ने पिता प्रणाम, तो दक्ष ने मुंह घुमा लिया। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, अंग अंग जलने लगे। अब सती को आभास हुआ, अब चित चढ़े जो शंकर कहो। तो प्यारे, अब तो भगवती सती ने जाना कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, मैं शंकर कर कहा न माना, अब चित चढ़े जो शंकर कहे वो। और चली यज्ञशाला में कि जाकर के देखें कि भगवान शंकर का कोई भाग निकाला गया कि नहीं। तो जाकर के देखा, वहां वहां शंकर जी का पूजन नहीं हुआ था। अरुद्र भागम तम बेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम बभौ, धनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानि वभक्षति रुषा। अब तो भगवती सती को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा, अरे सभासदो, देवताओं, यज्ञाचार्यो, यद द्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृद प्रसंगम अगमाशुहंतिकम पवित्र कीर्तिम तमलंग्य शासनम भवान अभो द्वैष्टि शिवम शिवे तरह। जिन भगवान शंकर का शिव नाम जपकर पूरा विश्व कृतार्थ हो जाता है, ऐसे भगवान शंकर का अनादर तुम्हारे द्वारा किया गया, कैसे कल्याण होगा, कैसे यज्ञ सफल होगी। अरे सुनहु सभासद सकल मुनि, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सुफल पाबहु सब का, भली भांति पछिताव पिता, सभी यज्ञाचार्य ऋषियों को भी फल मिलेगा, देवताओं को भी मिलेगा दंड, और हमारे पिता को भी मिलेगा। पिता मंद मति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही, अवश्य सुमे तजिह ते हे तो उर्धरी चंद्र मौली वृष केतु। मैं भी इस देह को छोड़ूंगी, क्योंकि देह में पिता का रक्त है। सती ने प्राणायाम किया, प्राणवायु को समान किया, और अपने हृदय में भगवान शंकर के चरणारविंदो का ध्यान किया। ततस्व भरतुर चरणाम्बुजा शवम जगद गुरो चिंतयति न चापरम, तदर्श देहो
हतकलम शाशती सद्य प्रज्वाल समाधि अग्नि ना। अपने पति भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और उस समय इनके शरीर में योगाग्नि उत्पन्न हो गई। अस कही जोग अग्नि तन जारा, बोलो सती देवी की। और भगवान शंकर के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, दक्ष को मारने दौड़े, तो महाराज भृगु जी ने कमंडल के जल से ऋभुगणों को उत्पन्न किया। शंकर के गण कैलाश गए। नारद जी ने जो समाचार बताया तो भगवान शंकर ने क्रोध में अपनी एक जटा चट्टान पर पटकी तो वीरभद्र प्रकट हो गए। गणों को लेकर वीरभद्र गए और यज्ञ विध्वंस किया, चार लोगों को दंड दिया। भृगुर बबंध मणिमान वीरभद्रा प्रजापतिम चंडीशा पुखणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगु को मणिमान ने बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति को बांधा, चंडीश्वर ने पूषा को बांधा, भग ने पूषा को बांधा और ये चंडीश्वर नामक देवता को महाराज नंदीश्वर ने बांध लिया। इन्हें दंड दिया गया। भृगोर लुलुंचे सदस्य आशत मश्रु दर्शन, भृगु की दाढ़ी मूछ नोच दी, क्यों हंस रहे थे ये, और भग देवता के नेत्र फोड़ दिए, नेत्रों से संकेत करते थे, और पूखा के दांत तोड़ दिए। और उस समय पर आज दक्ष का शिरोच्छेद किया, ऐंठ कर उखाड़ा और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया वो सिर। बोलो शंकर भगवान की। देवता भयभीत होकर भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण बोले शिव की शरण में जाओ, वो क्रोधी तो है लेकिन बड़े दयालु हैं, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, वो दया के सागर हैं, जाओ उनसे क्षमा मांगो। देवता भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव आए, उन्होंने यज्ञ पूर्ण कराया और भृगु को सप्तर्षि बनाया। भग से कहा तुम सूर्य के नेत्रों से देखो, चंडीश्वर ने पूषा को बांधा था तो कहा हे चंडीश्वर तुम पूषा को ये शक्ति दे दो। भगवान शंकर ने प्रेरणा कर दी कि यज्ञ के यजमान की दाढ़ों से अपना भोजन ग्रहण करे और ये दक्ष के बकरे का सिर लगा करके उसे अमर कर दिया। दक्ष बड़ा दुखी हुआ। जिस समय दक्ष बड़ा दुखी हुआ तो भगवान शंकर ने कहा जब कोई तुम्हारी वाणी में बम बम बोलेगा तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। यज्ञ पूर्ण किया, लो यज्ञ भगवान की। सती के दग्ध कलेवर को भगवान शंकर ने अपने कंधों पर धारण किया और जब गगन मंडल में भगवान शंकर भ्रमण कर रहे थे, रौद्र रूप होने लगा तो भगवान नारायण ने देखा प्रलय की आशंका है तो सुदर्शन चक्र से कहा सती के इन मृत अंगों को काट काट कर भूमि पर गिरा दो। जहां पर सती के अंग गिरे हैं वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई है, दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका जालिपा ज्वाला चंडी मनसा चिंतपूर्णी पूर्णा बिंदवासिनी अनेक शक्तिपीठों की रचना हुई। और इधर भगवती दो श्लोकों में पार्वती विवाह की कथा है। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम जग्ये ही ममता क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुमो सती मरत हरि सन बरमा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा यही कारण हिमगिर गृह जागी जन्मी पार्वती तन पाई पार्वती जी के रूप में उतार लिया। देवर्षि नारद ने गुरु मंत्र दिया ओम नमः शिवाय और नारद जी से प्रेरणा लेकर के हजारों वर्ष तपस्या की भगवती पार्वती ने। परीक्षा भी हुई, सप्तऋषियों ने कहा तुम नारायण के साथ विवाह कर लो, उन्होंने कहा कोटि जन्म लो अगर हमारी बरहु शंभु न तुरह कुमारी। मानस के विस्तार में नहीं जाना है, भागवत में दो श्लोकों में वर्णन है। भगवती पार्वती को भगवान शंकर प्राप्त हुए,
महाराज इदं पवित्रम परमेश चेष्टितम यशस्यमायुष्यम घौगमर्षणम यो नित्यदा कर्ण नरो नु कीर्तयेत दोनों कौरव भक्ति भावत खड़ान गजान की उत्पत्ति हुई। ये पावन प्रसंग जो सुनते हैं उन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है और भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। लो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आगे सुखदेव जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं, ऐसी दिव्य कथा जिसके स्वर्ण मात्र से पापों का क्षरण होता है और भक्ति प्राप्त होती है। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुदवः स्वयंभूस्यापि मनो हरे रंसांस जन्मनः। अब हम बड़ी सुंदर तुम्हें कथा सुना रहे हैं। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुदवः, महाराज श्री मनु की कथा सुना रहे हैं, मनुवंश की। मनुवंश में महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत दो पुत्र हुए मनु जी के, और तीन कन्याओं की कथा आप सुन ही चुके, आकुति देवहूति और पुरुषूति, इनका वर्णन आप श्रवण कर चुके हैं। प्रियव्रतोत्तानपाद शतरूपा पते श्रुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए, प्रियव्रत कर्मयोगी हैं, इन्होंने सप्त द्वीपों की सीमा का निर्धारण किया, सप्त सिंधुओं की सीमा का निर्धारण किया। और उत्तानपाद महाराज, उत्तान माने ऊपर को, पाद माने चरण, ऊर्ध्वगमनशील जीवात्मा है, और प्रत्येक जीवात्मा के दो रानियां हैं, सुमति और कुमति, ये सबके भीतर रहती हैं। ये मानस में वर्णन आया, सुमति कुमति सबके वुर रहा, सुमति कुमति सबके वुर रही, नाथ पुराण निगम अस कहै, नाथ पुराण निगम अस कहै। तो सुमति है वहां संपत्ति है, संपत्ति माने जो आध्यात्मिक संपत्ति है, समदम तितिक्षा उपर विज्ञान वैराग्य आदि। और जहां कुमति है वहां विपत्ति है, विपत्ति सबसे बड़ी वो है जो भजन न करे, का हनुमंत विपत्ति पर सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। तो राजा उत्तानपाद के भी दो रानियां हैं, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नियुर नेतरायत सुतो ध्रुवः। तो दो रानियां हैं सुनीति और सुरुचि, सुष्ठु नीति यस्यासा सुनीति ही, जिसकी नीति बहुत सुंदर है ऐसी सुनीति, पतिव्रता नारी है, पतिपरायणा है, और दूसरी सुरुचि है, स्वच्छंद चारिणी है। तो राजा को सुरुचि बड़ी प्यारी लगी, सुरुचि प्रेयसी पत्नियों, वो कुमति रूपी जो सुरुचि है बहुत प्यारी लगी इन्हें। अब ये सुरुचि के प्रेम पास में बंध गए, सुनीति का अनादर करने लगे, उपेक्षा करने लगे। राज महलों में भी दासी की तरह ही रहती है बड़ी रानी सुनीति। और तब भगवत कृपा से दोनों रानियों के एक एक पुत्र हुआ, मैया सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि के हुए उत्तम। उत्तम का पालन पोषण राशि वैभव में हुआ और ध्रुव महाराज का बड़े अभाव में, बड़ी निर्धनता में। लेकिन माता बालक की प्रथम शिक्षक है, माता सुनीति ने अपने पुत्र को सत शिक्षाएं प्रदान की हैं, लेकिन सुरुचि ने कुछ नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, वो विलासिनी है। दोनों बालक पांच पांच वर्ष के हुए, एक दिन की बात है। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमं नरुरुक्षंतं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को
राज दरबार में राजा लिए बैठे थे, उसी समय धूल से दूसरे ध्रुव महाराज आए। देखा राजा ने गोधूल दूषरित कोमल कांत वेशम, बड़ा कमनी बालक है, सुंदर है। एक बालक में नक्श शिक्षक श्रृंगारों से हीरों से जड़ा बालक उत्तम शोभा को नहीं पा रहा, लेकिन वो धूल से दूषरित बालक इतना प्यारा है। उतार दिया उत्तम को और ध्रुव को ले लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। यह दृश्य देखा सुरुचि ने, तथा चिकीर्षमाणस्तम शपदनयास्तनयम ध्रुवम सुरुचि। आज सुरुचि में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तथा चिकीर्षमाणस्तम शपदनयास्तनयम ध्रुवम, आज ऐसा जब देखा तो सुरुचि में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, अहंकार उत्पन्न हो गया। शेरश्याम आह गर्विता, ईर्ष्या अभिमान ये मानस रोग हैं, ये सदगुरु की कृपा से ठीक होते हैं, ये मन के रोग हैं। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय का आशा, तब ये दूर होते हैं। सुरुचि में अभिमान है कि मैं पटरानी हूं, ईर्ष्या कि मेरे पुत्र को उतार कर मेरे सौद के पुत्र को ले लिया। और उस समय आई सुरुचि, राजा की गोद से ध्रुव का हाथ पकड़ के उतार दिया और बोली, नवत्सन प्रतिर धृष्णिम भवानारोढ़ुमर्हसि न गृहीतो मयायत्वम् सूक्ष्मावपिन्द्रपात्मजः। हे ध्रुव, तुम राजा की गोद और गद्दी में बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तुम तो अभागिनी के पुत्र हो, तुम्हारी मां बड़ी अभागिन है। ऐसा कहकर ध्रुव का अपमान किया और कहा, बालक बालो शिवत्नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा। तुम्हारा मनोरथ बहुत दुर्लभ है, तुम तो अभागिनी के कोख से जन्मे हो। अगर तुम्हें इस गद्दी से इतना प्रेम है, इस गद्दी पर बैठना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदि इच्छसि नृपासनम्। यदि वास्तव में तुम नृपासन की कामना करते हो, तो आराध्य पुरुष ब्रह्म की आराधना करो और उनकी कृपा से मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम्हें गद्दी मिलेगी। माने भगवान की कृपा के बाद इनकी कोख में जन्म लेना जरूरी है, इतना अभिमान सुरुचि को है। और ध्रुव का तिरस्कार अपमान करके निकाल दिया। अब महाराज 5 वर्ष की बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मैया के पास आए। मातु शपतनया शदुरुक्त विद्धा श्वसन रुषा दंडहतो यथा ही हित्वा मिशंतम पितरम सन्निवाच जगाम मातु प्ररुदम सकाशम। रोते हुए ध्रुव अपनी मैया के पास आए, व्याकुल घायल सांप की तरह। माता ने हृदय से लगाया, मेरे लाल तुम्हारा किसने अपमान किया है? ध्रुव कुछ बोले नहीं, साथी बालकों ने बताया। सौतेली मैया ने कहा, तुम अभागिनी के पुत्र हो। आज सुनीति का धैर्य टूट गया, शोक का सागर फूट पड़ा, नेत्रों के माध्यम से रोने लगी मैया। अलबुरी मेरे लाल, सुरुचि ने सत्य कहा है, सत्यम सुरुच्या अभी तम भवान में इद दुर्भगाया उदरे गृहीता। सुरुचि ने सत्य कहा है, तू मुझ मंद भागिनी की कुक्षा से जन्मा है, मेरा स्तन पान करके बड़ा हुआ, इसलिए तेरा अनादर हुआ। मेरे लाल, इस संसार बड़ा स्वार्थी है, संसार का जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो भाषा और व्यवहार बदल जाता है। हरे चरही तापही बरे फरे पसारही हाथ तुलसी स्वार्थ मीत जग परमार्थ रघुनाथ। संसार बड़ा स्वार्थी है, परमार्थ तो भगवान है। मेरे लाल, इस संसार को भूल जाओ। मेरे लाल सोचो जग के सुख का, संसार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन।
जानो सोचो जग के सुख का मानो सोचो जग के सुख का संसार रहेगा कितने दिन संसार रहेगा कितने दिन ये प्यार रहेगा कितने दिन प्यार रहेगा कितने दिन हाँ चाहे पितु हो या माता हो चाहे पितु हो या माता हो पत्नी हो सुत हो भ्राता हो पत्नी हो सुत हो जिनको अपना कहते आए जिनको अपना कहते आए अधिकार रहेगा कितने दिन अधिकार रहेगा कितने दिन मानो सोचो जग के सुख का संसार रहेगा कितने संसार रहेगा कितने कोई आता कोई जाता कोई आता सबसे थोड़े दिन का नाता सबसे थोड़े दिन का तुम प्रेम करो अविनाशी से तुम प्रेम करो अविनाशी से मिल जाओ सब घट बासी से मिल जाओ सब घट बासी अरे पथिक यहाँ मैं मेरे का मेरे पथिक यहाँ मैं मेरे का या पार मानो सोचो जग के सुख का संसार रहेगा कितने मानो सोचो जग के सुख का सुनीति ने कहा आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम् मात्रा समात्रा पियदव्यलीकम् आराधे अधोक्षज पाद पद्मम् यदि इच्छसे ध्यासन मुत्तमो यथा मेरे लाल इस संसार को भूल जाओ और इस परब्रह्म परमात्मा पिता का स्मरण करो भगवान नारायण के चरण कमलों का ध्यान करो वही परम पिता परमात्मा तुम्हारे संकटों को दूर कर परम पद देंगे जिनका ध्यान योगींद्र मुनींद्र फणींद्र करते हैं शिव शनकादि नारदादि जिनका ध्यान करते हैं ब्रह्मादि जिनका ध्यान करते हैं उनका ध्यान तुम करो अनन्य भाव से मन को एकाग्र करो प्रभु का ध्यान करो साधना करो तपस्या करो भजन करो उनकी प्राप्ति करो तभी परम पद मिलेगा। माता ने उपदेश किया 5 वर्ष की बालक ध्रुव माता के चरणों में प्रणाम करके कहते माँ मैं जा रहा हूँ जब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे मैं वापस नहीं आऊंगा और चल पड़े ध्रुव। आज वनपथ में जा रहे हैं ध्रुव तो देखा देवर्षि नारद ने बालक
तेजस्वी बालक भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा है, तो देवर्षि को करुणा आई, उतर पड़े। बालक कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान की गोद में बैठने। कहा उनकी गोद में तो मैं नहीं बैठ पाया, लौट चलो। बोले लौटूंगा नहीं, मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर चला हूं, परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। नारद जी कहते धन्य है तुम्हारी माता जिसने परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया। जनन्या अभीता पंथा सवई निरशेष विवाह, सवई निरशेष वही जननी ने जो पंथ बताया वही श्रेष्ठ है, वो परमार्थ पथ की ओर जाता है। बेटे परमात्मा एक है, वो निर्गुण भी है सगुण भी है, लेकिन तुम चूंकि गोद में बैठना चाहते हो इसलिए साकार ब्रह्म का ध्यान करो। वो साकार ब्रह्म कैसे हैं उनका स्वरूप बताया, भगवान के आदि रूप का वर्णन किया है, मूल रूप बताया है। श्रीवत शांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंखचक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। वर्षाकालीन मेघों जैसे सुंदर श्याम वर्ण किए हैं, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, ग्रीवा में वनमाल है, कौस्तुभ मणि से सुशोभित हैं, ऐसे चतुर्भुज नारायण का तुम हृदय में ध्यान करो। मेरे प्यारे पुत्र ध्रुव, तुमने गुरु बनाया है, गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं महाराज, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया। बोले गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं जाता। गुरु बीनु भव निधि तरज न कोई, गुरु बीनु भव निधि तरज न कोई, जो बीरंच शंकर सब हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं जाता। और गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुख सीधी सुलभ न देहि, सपने हूँ सुख सीधी सुलभ न देहि, ते लोक बे विभव बस करही, मानस में भी बंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम माश्रितो तो ही बक्रो भी चंद्रा सर्वत्र बंदते है। बंद हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। एक श्रोताए बोले महाराज हमें अपच हो गई। मयंक जी महाराज तुमने कहा कुछ गरिष्ठ भोजन किया क्या? बोले नहीं गरिष्ठ भोजन नहीं, कथा से अपच हो गई, इतनी कथा सुनी कि बदहजमी हो गई। तो हमने कहा तो तुम चूर्ण फाको। बोले कहाँ मिलेगा, हमका रामायण जी की पहली दूसरी जोबाई में है। बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा असुरुच सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन, बढ़िया चूरन है, अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग आवई उर्जासु उघर ही विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भवर जन के सूझई रामचरित मनि मानिक। ऐसा गुरु प्रभाव श्री गुरुपद रज मंजुल अंजन नयन अमीय दीर्घ दोष व्यवंजन। तुका महाराज आप जैसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा, आप ही मंत्र दे दीजिए। तो बड़ा प्यारा मंत्र बताया है जो भागवत का बीज मंत्र है, ऐसा मंत्र बताया है, आप सब लोग उच्चारण करो प्रेम से। ओम ओम ये ओम परमात्मा का अनादि नाम है, शाश्वत नाम है, वेद की आत्मा है। ओम ओम नमो नमो
नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ये परमानंदायक परम प्रकाशक परम ऊर्जावान दिव्य ये ओम परमात्मा का अनादि नाम है। दिव्य आध्यात्मिक अमृत का स्रोत है ओम। नमो नमन करते हैं भगवती भगवान वासुदेव जो घटघट वासी हैं, वसुदेव पुत्र हैं, आत्मा में निवास करते हैं। तीन अर्थ वासे वासे तिष्ठति आशा वासुदेवा जो कणकण में निवास करते हैं वो वासुदेव। यमुनायाः तटम शुचि पुण्यम मधुवनम मित्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जहां भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाएं हुई हैं ऐसे वृंदावन में जाकर के इस मंत्र को जपो। बारह ध्रुव जी गए और वृंदावन में इस मंत्र को उन्होंने जपा है। जमुना जी में स्नान करके दाहिने चरण के अंगुष्ठ पर खड़े हो गए और उन्होंने साधना की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थपदरासनः। पहले महीने में तीन दिन तीन रात के बाद आसन से उठते हैं और कैथा बेर खाकर जमुना का जल पीते हैं। दूसरे महीने में छह दिन छह रात के बाद उठते हैं केवल जल पीते हैं। तीसरे महीने में उठते हैं नौ दिन नौ रात के बाद और केवल अब वायु का सेवन करते हैं महाराज, तृणपत्र का सेवन करते हैं। देखो इसका क्रम बता दें। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थपदरासनः। पहले महीने में तीन दिन तीन रात के बाद कैथा बेर खाकर जल पीते हैं। दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासम खष्ठे खष्ठे अर्भको दिने प्रणपर्णादि बिरशेणे कृतान्योभ्यर्चन विभुम। दूसरे महीने में छह दिन छह रात के बाद उठकर केवल तिनका पत्ता चबाकर जमुना जल पीते हैं। तीसरे महीने में नौ दिन नौ रात के बाद केवल जल पीते हैं और चतुर्थ महीने में बारह दिन बारह रात के बाद केवल वायु का सेवन करते हैं। पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। अब पांचवें महीने में इन्होंने प्राणवायु को जीत लिया। यदैकपादेन सपार्थिवार्भका तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता महि। इनके तपस्या के बोझ से धरती झुककर कमान हो गई और उस समय आज 33 कोटि देवताओं की सांस बंद हो गई। भयभीत देवता आए नारायण की शरण में, कहते भगवान हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, रक्षा करो। भगवान बोले मां भाईष्ट बालम तपसु दुर्गतया निवर्त प्रतियात स्वधाम। ये बालक की तपस्या है, भय मत करो, लौट जाओ, हम वरदान देने जा रहे हैं। करुण पर बैठे भगवान चले। आज गरुण की चाल इतनी धीमी है, उन्हें धीमी लग रही है। छोड़ दिया गरुण और वहीं प्रकट हो गए जहां ध्रुव साधना कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन ध्रुव तो हृदय में बैठे चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहे। भगवान ने विचार किया ऐसे चाहे वर्षों खड़े रहे बालक का ध्यान भंग नहीं होगा, तो जो हृदय में चतुर्भुज रूप था उसको खींच लिया। अब तो व्याकुल होकर ध्रुव ने नेत्र खोले तो सामने नारायण का दर्शन पाया। तद दर्शनेन आगत साधु साक्षितौ बबन्ध तांगम विनिमय्य दण्डवत दृक्भ्याम प्रपश्य प्रबिबन्निमार्भकः चुम्बन्नि आश्लेन भुजैरिवाश्लेषं। भगवान के दर्शन ध्रुव को बड़ा आनंद मिला और ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए। नेत्रों से सुधार बह रही है, कंठ गदगद हो गया, भाव विवल हो गए। भगवान ने ध्रुव को उठाया और ध्रुव ने हाथ जोड़े, मुख खुला, वंदना करना चाहते हैं कि वंदना के शब्द नहीं। भाव तो हृदय में बहुत है लेकिन भाषा का ज्ञान नहीं, शब्द नहीं निकल रहे। भगवान बोले तुम्हारे भावों को मैं भाषा दूंगा। भगवान तो मुंह कम करो थी बाछालम पंगुम लंगहिते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान ने अपना वेद में शंख उठाया और ध्रुव के कपोल में स्पर्श करवा दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपूले। अपना वेद में शंख ध्रुव के कपोल में स्पर्श करवा दिया तो ध्रुव को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। हरि कृपा से वो दुर्लभ सब प्राप्त हो गया। हरि गुरु कृपा से क्या प्राप्त नहीं हो जाता।
अब ध्रुव ने वेद संबंध भगवान की वंदना की है, जो पापनाशिनी भक्ति दायिनी वंदना आप श्रवण करें। ध्रुव जी वंदना करते हैं, यो अंतः प्रविश्य मम वाच निभाम प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा सुधाम्ना अन्या सहस्त चरण श्रवण पकादी प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जिन्होंने मेरे अंताकरण में प्रवेश करके मेरी सोई वाणी को जगा दिया, जो अनंत सृष्टि को चैतन्य करते हैं, अनंत सृष्टि जिनका शरीर है, अब ऐसे सबके प्राण भगवान को प्रणाम है। भगवान बोले ध्रुव वरदान मांग लो, ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव कहते हैं भगवान आपके दर्शन के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह गया, ये देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो। पिता की गोद से सौतेली माता ने उतार दिया था, आप परम पिता हैं, आप हमें अपनी गोद में ले लें। आज भगवान ने ध्रुव को गोद में लिया है, देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भक्तों भगवान कहते हैं ध्रुव वरदान मांग लो, इन ध्रुव कुछ कामना नहीं, कुछ चाहते नहीं है। भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हें वरदान दूंगा, प्रस्थिते तु बने पित्रा दत्त्वा गाम धर्म संश्रयः खड त्रिंशद वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहते इंद्रियः। जब स्वेच्छा से तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य दे दें तो तुम उस राज्य को स्वीकार कर लेना। राज्य प्राप्त करके 36,000 वर्ष तुम उस राज्य को भोगोगे और इस बीच तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी, और इसके बाद में अपने पुत्रों को राज्य दे करके तुम बद्रीनाथ चले जाना, और बद्रीनाथ में जाकर के तुम भजन करना। तब मैं विमान भेजूंगा, मैंने तुम्हारे लिए उत्तर दिशा में ध्रुवलोक का निर्माण कराया है, अनंत काल तक उस ध्रुवलोक में तुम निवास करोगे।